की तारीफ है कि तारीफ खुदा ही के लिए है कि जितने फुकहा को नबियों का वारिस बना दिया। तो इस आयत में भी फुकहा को नबियों का वारिस करार दे दिया गया है, और ये इल्जार और यह जरून बचना और कराना, इन अल्फाज पर गौर करें तो बिल्कुल यही मफहूम कानून का हुआ करता है। तो मतलब ये कि कानून जो है वो फिका का ही नाफिज होगा, जब भी नाफिज होगा। एक दोस्त तकरीर कर रहा था और बड़े गुस्से में कहने लगा कि मैंने पक्का इरादा कर लिया और कसम खा ली है कि फिका को मुल्क से निकाल के दम लूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अभी तो तू फिका अपने मुफ्तियों से नहीं छीन सका, तेरे मुफ्ती हमारी फिका पर फतवे दे रहे हैं। फतावा नजीरिया में फिका हर्दी के हवाले है, फतावा सनाइया में फिका हर्दी के हवाले है, फतावा सकारिया में फिका हर्दी के हवाले है, फतावा उलमाए हदीस में फिका हर्दी के हवाले है, फतावा गजनिया में फिका हर्दी के हवाले है। तो जो अभी अपने मुफ्तियों से फिका नहीं छीन सका, वो फिका को मुल्क से कैसे निकाल देगा। मैंने कहा अभी तक तो आप फिका को अपने मदरसे से नहीं निकाल सके, तुम्हारे मदारिस में हमारी किताब हिदाया पढ़ाई जा रही है, शरा बकाया पढ़ाई जा रही है, चंदा हदीस के नाम पर लिया जाता है और तनख्वाह फिका बढ़ाकर ली जा रही है। तो ये बताया जाए कि तुम्हारे असूल पर ये तनख्वाह जायज भी है या नाजायज। तो मैंने कहा कि आपने अगर जरूर तजर्बा करना है तो मुल्क से निकालने से पहले अपने घर से निकाल कर देखे, एक घर से। उसने कहा जी निकाल दी। अब जनाब जोर का वक्त आ गया, नमाज पढ़नी है, सब बैठे हैं, कहता भी नमाज पढ़ो। उसने कहा कि नमाज की तो शर्तें भी मालूम नहीं कितनी है, क्योंकि फिका में लिखी थी वो किताब हम बाहर रखा है जाते। नमाज की रक्तों की तकसीम का इल्म नहीं है कि सुनते की नियत कितनी रक्तों में करनी है, फर्ज कितने पढ़ने हैं, नवाफल कितने हैं, ये तकसीम फिका की किताब में थी, अब हम पढ़े क्या। नमाज के अरकान का पता नहीं, भूल के मसाइल सजदा साहब के मसाइल का एक दो मसाइल के सिवा कहीं पता नहीं चलता, तो अब कैसे नमाज पढ़े। तो उसने कहा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ फिका से नहीं गए, खुदा से भी गए हम, क्योंकि खुदा की इबादत करने का तरीका पूरा हमें मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो सोचते हैं कुछ सुधा करेंगे उनसे, खाना तो ले आओ। उसने कहा क्या लाऊं। उसने कहा दूध ले आओ। उसने कहा दूध तो भैंस का है और भैंस का लफ्ज कुरान में भी नहीं और हदीस में भी नहीं, तो भैंस का दूध तो फुकहा ने कियास से जायज किया था, तो जब फिका निकाली भैंस भी उनके घर बांध आए हम, इसलिए ना दूध किस्मत में रहा, ना चाय किस्मत में रही, ना घी किस्मत में रहा, ना मक्खन किस्मत में रहा, ताकि लस्सी तक किस्मत में नहीं रही, तो ऐसी फिका निकाली अब क्या करें। उसने कहा फिर और कोई चीज। उसने कहा दाल पकाई थी पानी में, वो है अगर कहे तो ले आऊं। उसने कहा चलो वही ले आ। अब ऐसी हदिया थी, कदर थी नहीं, उसे ढांका नहीं, उसमें जरा मच्छर गिर के मरा हुआ है, क्यूटियां गिर कर मरी हुई है, दो तीन पेड़े उसमें जिन बना रही हैं, दो चार मक्खियां डूबने की हैं और आस पास क्यूटियां मरी हुई हैं। उसने कहा अल्लाह की बंदी इसको साफ तो करके थी। उसने कहा कैसे साफ करूं, फिका के बगैर क्यूटी निकलती नहीं, फिका के बगैर मच्छर निकलता नहीं, फिका के बगैर ये भेड़ निकलती नहीं, फिका के बगैर जुगनू निकलता नहीं, फिका के बगैर तो ये साफ ही नहीं होगा, इसलिए जब फिका को घर से निकाल दिया है तो अब क्या सूरत होगी। अब तो यही है कि क्यूटियां खानी पड़ेंगी, ये भेड़ जो है ये जबान को काट काट के खाएगी, ये निकल नहीं सकती, क्योंकि वो जबान जो फिका के खिलाफ बोलती है उसका इलाज यही है कि भेड़ियों से काट काट कर खाए, और अगर फिका को ना माना गया तो वो निकल सकती नहीं। हाँ हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब एक जमात जिहाद में मसरूफ रहे और दूसरी फिका में, उस वक्त तक फरमाया दीन को सरबलंदी हासिल रहेगी। मुजाहिदीन का काम क्या है, मुल्क गिरी मुल्क हासिल करना, क्या काम है मुल्क हासिल करना, और फुकहा का काम क्या है, उस मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिल करना। तो इसी चीज से सरबुलंदी रहेगी ना। अब देखिए कानून जो है वो जब भी नाफिज हुआ फिका की शक्ल में नाफिज हुआ। अब हम जब मुतालबा करते हैं कि फिका हनफी को नाफिज किया जाए, तो कई तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि फिका को हम नहीं मानेंगे,
सिर्फ इस्लाम का कानून आए और किताबो सुन्नत का कानून आए। लेकिन ये एक फरेब है, इसको जरा समझे मिसाल से। आपके मुल्क में ही तो कोई कानून चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? तो आपके मुल्क में एक तो आईन होता है, मतने कानून, क्या होता है आईन, उसी का नाम इस्लाम में किताब और सुन्नत है। जो आईन है उसी का नाम क्या है? किताब और सुन्नत। अब बाद औकात आईन में कोई चीज काबिले तशरी हो तो कौमी असम्बली खुद उसकी तशरी कर देती है। तो इसी कौमी असम्बली की जगह इस्लाम में खिलाफत राजा है और हर खलीफा राजद उस असम्बली का स्पीकर है। तो अब देखिए, कोई शख्स सिर्फ आईन का नाम ले लेकिन खिलाफत राजा को छोड़ना चाहे, कौमी असम्बली से सरफे नजर करे, तो वो मुल्क में मुल्क के आईन को चला सकता है। फिर उसके बाद आपके हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है, उसका चीफ जस्टिस जो है ये कानून साज नहीं होता, कानून दान होता है। लेकिन अपने मुल्क के कानून का इतना माहिर होता है कि उसका फैसला बतौर नजीर कानून की किताब पीएलडी में नकल कर लिया जाता है। और जितनी मातहत अदालतें हैं, डीसी साहब के यहाँ केस आए, कमिश्नर साहब के यहाँ केस आए, सीनियर सिविल जज के पास केस आए, तो वो उस पीएलडी का हवाला देकर फैसला करता है, उसके हवाले के बगैर कोई फैसला नहीं करता। तो ये इसको आप अपनी इस्तलाह में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं, इसे इस्लामी इस्तलाह में मुजतहिद कहा जाता है। मुजतहिद भी कानून साज नहीं होता, कानून का माहिर होता है। और जिस तरह मुजतहिदीन के फैसले पीएलडी में महफूज कर लिए गए, इसी तरह इस्लाम के मुजतहिदीन के फैसले पीएलडी में महफूज कर लिए गए। ये हिदाया, ये आलमगिरी, ये शराब विकाया, ये किताबें बिल्कुल ऐसी हैसियत रखती है इस्लाम में जैसे आपके मुल्क में पीएलडी की किताबें। और जिस तरह मातहत अदालतें इस पीएलडी का रेफरेंस पर हवाला देती हैं, इसी तरह जो मुफ्ती हैं वो काला अबू हनीफा, काले शाफी, काला अहमद कहकर अपना फैसला और फतवा नकल करता है। लेकिन बाद औकात चीफ जस्टिस एक होता है और बाद औकात एक फुल बेंच बैठता है, इसे आपकी इस्लाह में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और इस्लाम की इस्लाह में उसे इजमाए उम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजमाए उम्मत। तो अब कोई आदमी ये कहे कि सिर्फ पाकिस्तान का आईन रहे और ये हाई कोर्टें खत्म कर दी जाए, सुप्रीम कोर्टें मुल्क से खत्म कर दी जाए, मातहत सारी अदालतें खत्म कर दी जाए, तो क्या मुल्क का कानून चल सकता है? आजकल जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो आए लेकिन इस्लाम में क़ियास शरी और इज्तिहाद और फिका को दखल ना हो, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई ये कहे कि आईने पाकिस्तान तो नाफिज रहे लेकिन मैं सूबा पंजाब में रहता हुआ हाई कोर्ट के फैसलों को कबूल नहीं करूंगा। तो अगर हाई कोर्ट का फैसला ही सूबे में रहकर कबूल नहीं तो कानून नाफिज कौन करेगा यहाँ, और कानून चलेगा किसके जरिए? कोई आदमी ये कहे कि कानून इस्लाम मसाइल जो हैं वो बतौर कानून नाफिज ना किए जाए, तो ये ऐसी ही बात है जैसे कोई ये कहे कि मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या कोई मुल्क किसी बेवकूफ के कहने से अपनी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकता है? क्या कोई सूबा बगैर हाई कोर्ट की अदालत के अपने कानून को आगे चला सकता है? कोई आदमी ये कहे कि मैं जिले में रहूंगा लेकिन डीसी के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, मैं डिवीजन में आबाद रहूंगा लेकिन कमिश्नर के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि ये पीआईडी के हवाले देते हैं, सीधे आईन के हवाले नकल नहीं कर रहे। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं मुसलमान को कहलाऊंगा लेकिन इस्लामी मुफ्तियों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये अपने फतवे में काला अबू हनीफा लिखते हैं, ये काले शाफी लिखते हैं, ये काला अहमद लिखते हैं, ये काला मालिक लिखते हैं। तो जिस तरह मुल्क में कानून नाफज होता है, इसी तरह हर कानून होता है, जिस तरह इसमें हाई कोर्ट की भी जरूरत है और इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत है इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, और मातहत अदालतों की भी जरूरत है इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई आदमी अदालत का फैसला सुनता है तो उसे एक ही पता होता है
कि ये फैसला इस जज की जाती राय नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून का फैसला है। जब भी वो हाईकोर्ट का फैसला सुनता है तो उसके जेन में एक ही बात होती है कि ये इस जज की जाती राय नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान का ही फैसला है। बिल्कुल इसी तरह हजरात आईमे मुजतहदीन वो जो फिका मुरतब फरमा गए हैं ये उनके जाती फैसले नहीं है बल्कि किताबो सुन्नत से इस्तेमाल करके उन्होंने ये फैसले दिए हैं। तो अब मैं आप हजरात से ये पूछता हूँ कि आपके सामने कोई आदमी आए और कहे कि भाई मुझे वोट दो मैं हुकूमत बनाऊंगा, तो आप पूछे हुकूमत बनाने के बाद तेरा मंशूर क्या होगा, तो वो कहे कि सारी हाई कोर्टें बंद करूंगा, तमाम सुप्रीम कोर्टें खत्म कर दूंगा, तमाम मतायत अदालतें जो है ये इनको खत्म कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो मुल्क में कानून चलाने की अहलियत रखता है? ऐसा आदमी जो है वो तौहीनी अदालत का मुर्तकिब है या नहीं? तो ऐसे लोग जो तौहीनी अदालत के मुर्तकिब होते हैं वो दरअसल कानून के ही मुनकर हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये नहायत आसानी से ये बातें समझाई हैं, क्योंकि वजह यह है कि फिका की जरूरत बहुत ज्यादा है और आवाम को है, इसलिए ऐसे अंदाज में समझाई गई ये जरूरत कि हर आदमी इसको समझ जाए। कुरान पाक से जब पूछा गया कि दरअसल ये फिका कहते किसको है, तो कुरान ने एक मिसाल बयान फरमाई, अल्लज़ीना यस्तंबितूना मिन्हुम, यानी जिस तरह कुछ पानी अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर पैदा कर रखा है ना, दरियाओं की शक्ल में बह रहा है, बहुत सा पानी का जखीरा जमीन की तह में नीचे छुपा रखा है। तो अल्लाह ताला ने पानी की मिसाल देकर समझाया कि जितना तुम्हारी जिंदगी में पानी जरूरी है, खास तुम किसी इलाके में रहते हो, इतनी ही तुम्हारी इस्लामी जिंदगी के लिए फिका जरूरी है। जिस तरह तुम पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, इसी तरह तुम फिका के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन आप हर जगह पानी पीते हैं या नहीं, इस्तेमाल करते हैं या नहीं? अब वो पानी आप किसी के कुएं से ले आए, किसी के नलके से ले आए, किसी के ट्यूबवेल से ले आए, आपके दिल में कभी ये मदरसा पैदा हुआ कि ये पानी नलके वाले आदमी ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ? नहीं। कभी आपके दिल में ये मदरसा आया कि ये पानी कुआं खोदने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ? नहीं। कभी आपके दिल में ये मदरसा आया कि ये पानी ट्यूबवेल लगाने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ? नहीं। आप रोजाना पानी पीते हैं, एक ने नलका लगा दिया, रास्ते में आपने पानी पिया, पहले शुक्र खुदा का अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तेरी नेमत, और फिर उसके लिए भी दुआ की कि या अल्लाह उसको भी खुश रखो जिसने रास्ते में गर्मी में ये नलका लगा दिया और तेरे पैदा किए पानी को जाहिर कर दिया है ताकि उसका इस्तेमाल आसान हो जाए। तो जैसे ट्यूबवेल में जो पानी है, कुएं में पानी है, नलके में पानी है, ये खुदा का ही पैदा किया हुआ है। इस नलका लगाने वाले ने सिर्फ आसानी बना दी है हमारे लिए ताकि उस पानी का इस्तेमाल हमारे लिए आसान हो जाए, वरना ये एक कतरा भी पानी इसने खुद पैदा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज इस्तंबात यहाँ बयान फरमा के ये बात समझा दी कि जिस तरह हर इलाके में तुम्हें पानी की जरूरत है और पानी पीते हुए कभी तुम्हें ये वसदा नहीं आया कि नलके का पानी खुदा ने पैदा नहीं किया, इसी तरीके से आज तक आपके दिल में कभी वसवा आया था? अब कोई बेवकूफ और पागल ये शोर मचाए कि देखो जो पानी बराए रात आसमान से आता है उसके नीचे यूं मुंह करके पीना, ये तो खुदा का पानी पीना है और नलके से पानी पीना शिर्क है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। कुएं से पानी पीना हराम है क्योंकि ये पानी इंसान ने मेहनत करके निकाला है। ट्यूबवेल से पानी पीना शिर्क है, कुबर है, बिदत है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी आसान और आम फहम मिसाल से हमें बात समझा दी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक फिरका खड़ा हो जाए, एक जमात, कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना चाहते हैं। आप उनसे पूछे आपका मंशूर क्या है, वो कहे कि जब हम बरकर हुकूमत आएंगे तो किसी घर में नलका नहीं रहने देंगे, जब हम बरकर हुकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुआं बाकी नहीं रहने देंगे, जब हम बरकर, कि भाई आप हमें वोट दें,
हम मुल्क में कानून बनाना चाहते।